न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बैरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राठ का मान। निवेदक संतोष यादव प्रधान नीम राणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2 कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन एससी एसटी एनटी एससी एवं ओलंपियाड्स तथा के सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव प्रिंसिपल योगेश शर्मा नारनौल रोड भगवाड़ी बहरोड। नमस्कार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। ग्रीनलैंड कंपनी के माध्यम से प्रथम संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया। ग्रीनलैंड कंपनी के सहयोग से बहरोड ब्लॉक में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा 15 गांवों में बच्चों की शिक्षा पर कार्य किया जाता है। विद्यालय में कक्षा 1 से 2 के बच्चों के साथ बाल वाचन गतिविधि हिंदी भाषा व गणित विषय पर खेल खेल के माध्यम से गतिविधियां करवाई जाती हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के साथ विज्ञान विषय पर बच्चों से मॉडल बनवाकर उनके बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हीं 15 गांवों के विद्यालयों के साथ साथ समुदाय में भी बच्चों के साथ कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को जो सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय में जाते हैं उन्हें बच्चों के साथ टैबलेट गतिविधियों का कार्य करवाया जाता है। वहीं कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की माताओं के साथ समूह बनाकर बच्चों की शिक्षा पर कार्य करवाते हैं। गांव के 3 से 6 साल तक के जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर जाते हैं उन बच्चों को एक जगह एकत्रित कर स्वयं सेवकों द्वारा क्लास चलाई जाती है। वहीं बैरोड में स्थित ग्रीनलैंड कंपनी से पधारे प्रशांत प्रकाश श्रीवास्तव मोहिनी सीएसआर राहुल एचआर मैनेजर प्रथम संस्था से आए प्रोग्राम हेड सुनील पुरबिया ग्रीनलैंड कंपनी के सदस्य गुजरवास विद्यालय के प्रिंसिपल राम सिंह सरपंच रामफल गुजर व अन्य स्टाफगण मौजूद रहे। वहीं गुजरवास विद्यालय में प्रथम संस्था द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का अवलोकन किया। साथ ही शेरपुर गांव में 3 से 6 साल तक के बच्चों की माताओं व स्वयंसेवक से बातचीत की गई। बच्चों की माताओं द्वारा बनाए गए वर्क का अवलोकन किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक लीडर राजेश कुमार ने की। ब्लॉक में चल रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेडीज एंड जेंट्स सैलून अब आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी से फेशियल जिससे आपका फेस होगा आकर्षक दिखेंगे कुछ खास। साथ ही स्किन का बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाता है। वहीं सैलून में बेहतरीन अनुभवी कारीगरों द्वारा हेयर स्टाइल कटिंग वहीं मेकअप में नाज मिलानी टास सहित 4 Ever 52 के ब्रांड्स उपलब्ध। इतना ही नहीं हमारे यहाँ पर तोल के हिसाब से जार्जेंट रायन कॉटन खादी सिल्क सहित लेडीज एंड जेंट्स के बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े उपलब्ध। प्रोप्राइटर मोनिका चोपड़ा पुराना बस स्टैंड माचल मार्केट बहरोड। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बैरोड क्षेत्र के नासरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भागवत कथा का आयोजन 26 फरवरी से 5 मार्च तक किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गांव की सैकड़ों से भी अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली जो गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने धार्मिक भजनों पर नृत्य करते हुए भजनों का आनंद उठाया। साथ ही ग्रामीण रामनिवास यादव ने बताया कि गोवर्धन मथुरा से सोमदत्त जी महाराज द्वारा कथा वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें गांव एवं आसपास के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं में भी कथा सुनने के प्रति काफी उत्सुकता देखने को मिली। होटल आमबाग होटल है पर अलग सा। दिल्ली जयपुर NH 48 पनियाला मोड़ के समीप होटल की खास पहचान ऑर्गेनिक सब्जियां जो अपने ही बाग में उगाकर ग्राहकों की सेहत का रखते हैं विशेष ध्यान। बेहतरीन लोकेशन पर बना होटल आमबाग जिसमें प्योर वेजिटेरियन मोदी नगर की प्रसिद्ध जैन शिकंजी शानदार लग्जरी रूम फास्ट सर्विस एवं टावल्स का फैक्ट्री आउटलेट। इतना ही नहीं सुप्रसिद्ध विश्वजीत थाली जो 8 लोगों के लिए है पर्याप्त जिस पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। होटल आमबाग में होटल इंडस्ट्री के जाने माने नाम श्री वीके शर्मा जी जिनकी मजबूत लीडरशिप एवं संजय यादव जी जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं जिनके द्वारा हाईवे पर कई ब्रांड स्थापित किए जा चुके हैं जो आज शानदार नाम कमा रहे हैं। तो आप भी आइए और शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। शुद्धता और स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। बैरोड क्षेत्र के बरडोद नगर पालिका से कमल सैनी माया देवी के द्वारा
मां मनसा माता देवी मंदिर प्रांगण दहमी तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य संगीता मन्नू सैनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कलश यात्रा में भाग लेकर क्षेत्र की खुशहाली के लिए मन्नत मांगी। इस दौरान प्रथम सैनी, अविनाश सैनी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं महिलाओं ने 51 निशान भी माता रानी के चरणों में अर्पित किए। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है मोम्स किचन। जीभ का स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो चाटते रह जाओगे। 100% प्योर वेजिटेरियन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बेकरी सहित सभी प्रकार के फास्ट फूड एवं स्पेशल लाजवाब थाली। पता नारनोल रोड नियर MS कलर लैब बहरोड। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।